वायरस सर्वाइवल इन एनवायरनमेंट, और आज हमारी हेडिंग है वायरस सर्वाइवल एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे वायरस की सर्वाइवल के ऊपर। टेम्परेचर अफेक्ट वायरस सर्वाइवल थ्रू प्रोटीन डीनेचुरेशन, डैमेज टू न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड डिसोसिएशन। यानी तीन तरह से अटैक कर रहा होता है टेम्परेचर। सबसे पहली बात तो हम जानते हैं कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाती हैं। सेकंड, जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो भी टेम्परेचर से डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों तरह से मुतासिर होता है। इनडायरेक्टली तो प्रोटीन जब डीनेचर होगी तो न्यूक्लिक एसिड भी डैमेज होगा, और डायरेक्टली भी न्यूक्लिक एसिड टेम्परेचर से मुतासिर होता है। और साथ ही साथ कैप्सिड डिसोसिएशन भी इस वजह से होती है क्योंकि कैप्सिड भी हम जानते हैं कि प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और प्रोटीन डीनेचर होंगी तो कैप्सिड डिसोसिएशन का प्रॉब्लम भी होगा। यूजुअली इट इज़ ऑब्जर्व दैट डीएनए वायरसेस हैव मोर इंड्योरेंस देन आरएनए वायरसेस, बट एक्सट्रीम टेम्परेचर मेक नो डिफरेंस इन डैमेजिंग बोथ। ये तो हम जानते हैं कि जो डीएनए वायरसेस हैं वो आरएनए वायरसेस के मुकाबले में ज़्यादा पायदार होते हैं, क्योंकि वो एज सून एज पॉसिबल म्यूटेशन में नहीं चले जाते जितनी जल्दी आरएनए चले जाते हैं। क्योंकि आरएनए डायरेक्ट एमआरएनए तैयार करते हैं तो उनमें म्यूटेशन का प्रॉब्लम जल्दी होता है, जबकि डीएनए को म्यूटेशन तक पहुंचने के लिए पहले आरएनए की कॉपी तैयार करनी पड़ती है। इसलिए डीएनए म्यूटेंट नहीं होते जितनी जल्दी से आरएनए म्यूटेंट हो जाते हैं। लेकिन टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट होता है वो दोनों पर एक तरह से होता है, और उसका मैंने आपको बताया कि एक्चुअली टेम्परेचर जो है वो न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर पर डायरेक्टली एंड प्रोटीन की डीनेचुरेशन की वजह से इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट डाल रहा होता है दोनों पर एक जैसा। जनरली टेम्परेचर 60 डिग्री एंड अबव is enough to inactivate most of the viruses, but in this condition a virus takes shelter from the surrounding organic materials like blood, feces, saliva, etc. तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा का जो टेम्परेचर होता है वो वायरस के स्ट्रक्चर को किसी ना किसी तरह से मुतासिर कर रहा होता है। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो वायरस डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक मटेरियल्स के अंदर पना लेते हैं, यानी उनकी एक कवरिंग अपने गिर्द बना लेते हैं जो इन्हें इन अनफेवरेबल कंडीशन यानी हाई टेम्परेचर से बचाती हैं। कंटेजिनस एयरबोर्न वायरस लाइक इन्फ्लुएंजा एंड कोरोना यूज सलाइवा एंड म्यूकस एज कवर एंड बैरियर फॉर एक्सटर्नल अनफेवरेबल एनवायरमेंट ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग व्हेन एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द ओपनिंग लाइक माउथ एंड नोज। तो जो कंटेजिनस एयरबोर्न वायरसेस होते हैं यानी जो हवा के ज़रिए फैलते हैं, जैसा कि इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस वगैरह हैं, ये अपने गिर स्लाइवा या म्यूकस की एक लेयर या कवरिंग बना लेते हैं, और इस तरह से जो अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उनसे इनकी हिफाजत रहती है। वायरस सर्वाइवल इन एनवायरमेंट में हमारी सेकेंड हेडिंग है एयरबोर्न वायरस सर्वाइवल एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वायरस सर्वाइवल इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विदाउट होस्ट डिपेंड अपॉन लेवल ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी किसी भी होस्ट के बगैर अगर आउटर एनवायरनमेंट में वायरस मौजूद है तो उसका जो सर्वाइवल है वो उस एनवायरनमेंट की रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करेगा। द डिफरेंस इन द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन बिटवीन नॉर्मल कंडीशन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड टाइम। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि ये ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी एक्चुअली हवा में नमी की जो मिकदार होती है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्चुअली प्रेजेंट टाइम पर जो टेम्परेचर है उस पर हवा में नमी की कितनी मिकदार मौजूद है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इन दो बातों का जो फ़र्क है उसे एक्चुअली रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब जो वायरस के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का हो रहा है। ओके, तो अब जो लिपिड इन्वेलप्ड वायरसेस हैं वो नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस के मुकाबले में रिलेटिव ह्यूमिडिटी को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जो लिपिड इन्वेलप्ड वायरसेस हैं वो मैक्सिमम 20-30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, और इनकी जो मिसालें हैं वो इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरस वगैरह हैं। जबकि
जो नॉन लिपिड इनवेलप वायरस हैं, यानी जिनके बाहर लिपिड की कवरिंग मौजूद नहीं है, उनकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अंदर टॉलरेट करने की रेंज होती है वो तकरीबन 70-90% तक होती है। और ये नॉन लिपिड इनवेलप्ड वायरस की जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वो हैं अडेनो वायरसेस एंड रेनो वायरसेस वगैरह। नाउ नंबर 3 में हम देखेंगे कि वायरस की सर्वाइवल पर लाइट क्या असर डालती है। वायरस स्पेशली जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होते हैं और जो फाइटोप्लैंक्टन्स पर अटैक करते हैं, उनके ऊपर लाइट पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली दोनों तरह से असर डाल रही होती है। क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ तो हमें मालूम ही है कि लाइट पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक हैं। साथ ही साथ जो वायरस की रेप्लिकेशन साइकिल है, उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। और वो एनर्जी जाहिर है सन से हासिल होगी, लाइट से हासिल होगी, या फोटोसिंथेटिक जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो जो खुराक तैयार करेंगे, यानी उनकी बॉडी में जितनी एनर्जी होगी वायरस को भी वो एनर्जी हासिल होगी। क्योंकि ये तो हमें मालूम है कि वायरस को एक हेल्दी होस्ट की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ वायरस की अपने होस्ट के साथ अटैचमेंट के लिए भी लाइट की ज़रूरत होती है एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर। यहीं पर ही ये लाइट जो है वायरस पर नेगेटिव इफेक्ट भी डाल रही होती है, क्योंकि हमें मालूम है कि यूवी रेडिएशंस जो हैं वो वायरस के डीएनए को डैमेज कर देते हैं और वायरस के अंदर रेप्लिकेशन को लेकर प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। साथ ही साथ लाइट जब वायरस के फोटोसिंथेटिक होस्ट के ऊपर इफेक्ट करती है, तो इनडायरेक्टली वायरस के ऊपर खुद ब खुद इफेक्ट हो जाता है। अब नंबर 4 में हम देखेंगे कि पीएच फैक्टर किस तरह से वायरस की सर्वाइवल पर असरअंदाज होता है। तमाम तरह के वायरसेस को अप्रोप्रिएटली वर्क करने के लिए ख़ास पीएच की ज़रूरत होती है। हमें स्टडीज से और रिसर्च से ये बात पता चली है कि वायरस की जो अप्रोप्रिएट पीएच है वो तकरीबन 6.5 पीएच तक है, जबकि अगर पीएच बढ़ जाए, यानी कि 7.2 से 8 तक पहुंच जाए, या कम हो जाए, यानी कि 5 to 5.5 तक पहुंच जाए, तो वायरस का स्ट्रक्चर डैमेज होने लगता है। क्योंकि बहुत सारे वायरसेस के बाहर एक लिपिड कवरिंग मौजूद होती है, और हम जानते हैं कि जो लिपिड होते हैं वो बहुत बेसिक पीएच के ऊपर हाइड्रोलाइज होना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे वायरसेस के बाहर जो लिपोप्रोटीन की कवरिंग होती है वो उन्हें एनवायरमेंटल इफेक्ट से, एनवायरमेंटल हैजर्ड से तो बचाती है, लेकिन दूसरी तरफ उसी कवरिंग की वजह से वो इंटरेक्ट कर जाते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ, जैसा कि डिफरेंट डिटर्जेंट्स हो गए, सैनिटाइजर्स हो गए, जो कि अल्कलाइन नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से ये लिपोप्रोटीन की कवरिंग डिस्टर्ब हो जाती है और वायरस का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये तमाम असरात तो उन वायरसेस पर होते हैं जिनके बाहर लिपिड की कवरिंग मौजूद होती है, जबकि जो नॉन एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं वो डिस्ट्रॉय तो नहीं होते, उनका स्ट्रक्चर तो डैमेज नहीं होता है, लेकिन उनकी भी जो रेप्लिकेशन की एबिलिटी होती है वो अगर पीएच अप्रोप्रिएट अवेलेबल ना हो तो उसकी वजह से मुतासिर होती है। यानी कि पीएच ना सिर्फ वायरस के स्ट्रक्चर को डैमेज करने का सबब बनते हैं, बल्कि रेप्लिकेशन के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं।